हेलो फ्रेंड्स, मीनास किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं एक एकदम टेस्टी और डेकोरेटिव केक का वीडियो लेकर आई हूँ, जो गेहूं के आटे से ही बना है और एक ही पॉट में बन के तैयार हुआ है। मैंने अलग अलग चीज़ें नहीं ली है इसके लिए, और सबसे बढ़िया बात है ये 5 मिनट में बन के तैयार हुआ है। तो अभी आपको केक बनाना बिल्कुल ही आसान लगने वाला है ये ट्रिक से, तो देखते रहिए। इसके लिए एक मैंने बॉल ले लिया है, माइक्रोसेव बड़ा बॉल। उसके अंदर में 1 कप गेहूं का जो रोटी बनाते हैं वो आटा लिया है, और 3/4 कप मैंने यहाँ पिसी हुई चीनी ली है। इसके बाद आधा टीस्पून मैंने खाने का सोडा लिया है, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 3 टीस्पून यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ पे वेनीला बना रही हूँ तो वेनीला फ्लेवर का लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेते हैं, और मिक्स कर देते हैं एक बार। फिर इसके अंदर में 1/4 कप यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ, कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून विनेगर ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट लिया है, और आधा कप में नॉर्मल दूध यहाँ पे डाल रही हूँ जो मेरा रूम टेम्परेचर पे है। अभी सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमें केक में बिल्कुल ही लम्स नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं बाकी बचा हुआ आधा कप था वो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे पूरा 1 कप दूध लगा है टोटल ये मिक्स करने में, तो आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। अभी 1 टीस्पून मैंने यहाँ विनेगर डाला है। विनेगर आपको ऐसी तरह से बाद में ही डालना है, तो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स दिया है और जो स्टेप बताया है वो फॉलो करके ही बनाइएगा। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, एकदम अच्छी तरह से। और देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी केक के बैटर से थोड़ी सी पतली रखनी है हमें। इसको टैप कर दीजिए और इसको माइक्रोवेव में रख देते हैं। तो माइक्रोवेव में मैं हाई टेम्परेचर पे 5 साढ़े 5 मिनट तक रखने वाली हूँ। तो मेरा माइक्रोवेव में हाई टेम्परेचर 900 डिग्री है, तो मैं 5.5 मिनट तक रख रही हूँ। 5.5 मिनट में ये केक बन के रेडी हो गया है। हम टूथपिक लगा के देख लेते हैं, अंदर टूथपिक डाला मैंने, एकदम क्लियर आया है। तो ये केक एकदम बढ़िया से बेक होके तैयार हो गया है। इसके अंदर हम छेद कर लेते हैं और इसको 15 मिनट तक इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम शुगर सिरप लगा देते हैं, ताकि केक हमारा जो है एकदम अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए। तो मैंने ये पूरा आधा कप शुगर सिरप था वो इसी तरह से लगा दिया है फैला के, और केक एकदम स्पॉन्जी और बहुत ही बढ़िया बना है। खाली 5 ही मिनट में बन गया है। अभी मैं यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ, ये मेरा शुगर वाला ही व्हिपिंग क्रीम है। ये 1 कप क्रीम ले रही हूँ, इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। तो मैंने आधा घंटे पहले ये बीटर को, बीटर की जो हैंड्स आते हैं उसको मैंने फ्रीज में रख दिया था, और बॉल को भी फ्रीज में रख दिया था। और 5 मिनट में मैंने ये व्हिप कर दिया है क्रीम को, और इसको अभी केक के ऊपर डाल देते हैं। तो एक मैंने ये स्क्रैचर ले लिया है, उससे हम केक को फैला देते हैं। आपके पास अगर स्क्रैचर नहीं हो तो आप कोई भी फाइल का टुकड़ा भी ले सकते हो, या कोई बिजनेस कार्ड है तो वो कार्ड भी ले सकते हो इसको फैलाने के लिए। तो मैंने इसको अच्छी तरह से चारों ओर फैला दिया है, और बॉर्डर पे इतना ध्यान नहीं दिया है क्योंकि हम वहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। तो बीच में से उसको बराबर से एकदम प्रेस करते, हल्का प्रेस करते हुए इसको फैला दीजिए। केक अच्छी तरह से रेडी हो गया है। थोड़ी देर फ्रीज में रख देते हैं, और अभी हम इसका कलर बना लेते हैं। तो मैंने व्हिप क्रीम के अंदर रेड, रोज़ रेड कलर की थोड़ी बूंदे डाली है, और दोबारा मैं इसको व्हिप कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बढ़िया सा पिंक कलर बन के रेडी हो गया है। हमें केक के लिए यही कलर चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे कोन में भर लिया है, कोन को थोड़ा सा छेद कर लिया है। तो हम जैसे मेहंदी की डिज़ाइन बनाते हैं उसी तरह से हमें इसमें लाइन बना लेनी है। ये काम करने में इतना मज़ा आता है, बहुत ही आसान है, और अब हमारा केक आसानी से और बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना है ये केक। आप एक बार तो ज़रूर ही इसे ट्राई करना। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना,
और कुछ भी आपको इसके बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड से इस तरह से लाइन कर ली है। अभी हम इसको बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर मैंने इसके लिए एक विप क्रीम के लिए मोल्ड ले लिया है, वो मोल्ड में इसी तरह से घुमाते हुए मैं बॉर्डर बना लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है, दिखने में एकदम सिंपल डिज़ाइन है पर कितना बढ़िया लग रहा है। अभी हम इसको कट करके भी देखेंगे। सिल्वर बॉल्स में रख रही हूँ इसमें बीच में, ताकि एकदम और डेकोरेटिव लगे केक। हमारा केक एकदम बढ़िया से बन के तैयार हो गया है, वो भी 5 ही मिनट में और एक ही पॉट में बना है। तो अभी केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी बर्डन नहीं है। आप भी इसी तरह से वन पॉट केक बना के तैयार कर सकते हो। तो आइए केक को कट कर लेते हैं और देखते हैं कि कट होता है कि नहीं। तो मैं नाइफ़ को इसी तरह से ट्रायंगल में कट कर लेती हूँ नाइफ से, और ये हमारा केक कट होके रेडी है। एंजॉय, थैंक यू।